प्रस्तुत कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक पौराणिक कहानी है। इस कहानी में दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी कावेरी के जन्म के संबंध में दो कहानियां दी गई हैं। यह कहानी कावेरी के तट पर बसे तीर्थ स्थानों की जानकारी भी देती है। कावेरी दक्षिण की गंगा है। तमिल भाषा में इसे कावेरी भी कहते हैं। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उपवनों को फैलाने वाली, यानी अपने जल से उसर भूमि को उपजाऊ बनाने वाली। और हाँ, इसे प्यार से पौन्नी भी कहते हैं, यानी सोना उगलने वाली। नक्शा देखोगे तो दक्षिण में, पूरब और पश्चिम में दो लंबी पर्वतमालाएं दिखाई देंगी। एक का नाम है पूर्वी घाट और दूसरी का पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के उत्तर में मैसूर राज्य है, उसमें कुर्ग है। वह बड़ा सुंदर स्थान है। यहीं पर एक पहाड़ है, उसका नाम है सहर। इस पहाड़ के कोने में एक छोटा सा तालाब है, कोई 2.5 फुट गहरा। एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में एक स्त्री की मूर्ति है। मूर्ति के सामने बराबर एक दीप जलता रहता है। यहीं कावेरी का जन्म हुआ। पहाड़ से निकलकर वह तालाब में गिरती है, फिर एक छोटे से झरने की तरह बाहर निकलती है। आगे जाकर वह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। किसी समय यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। दूर दूर के देशों से यहाँ जहाज आया जाया करते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा शहर था, नाम था उसका पुहार। आज वहाँ एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है कावेरी पुम्पटटिन्नम। कावेरी के तट पर बहुत से बड़े बड़े शहर हैं, कई तीर्थ स्थान हैं। तीन जगह वह दो हिस्सों में बटकर चलती है। उन तीन दोआबों में तीन बड़े तीर्थ हैं। पहला मैसूर के पास श्री रंग पट्टनम, यहाँ पर विष्णु जी का एक बहुत पुराना मंदिर है। दूसरा शिवसमुद्रम के पास है, यहाँ भी विष्णु का मंदिर है। तीसरा तिरुचि के पास श्री रंगम है, यहाँ श्री रंगनाथ का इतना बड़ा मंदिर है कि उसके 7 अहाते हैं। कावेरी के तट पर शिव के मंदिर भी हैं, नटराज का प्रसिद्ध मंदिर इसी के किनारे पर चिदंबरम में है। तिरुचि में एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ मातृ भूतेश्वर का मंदिर है। तंजावुर का मंदिर तो सबसे शानदार है। जब इतने तीर्थ हैं तो महात्मा भी अनेक हुए हैं। रामानुजम का नाम कौन नहीं जानता? और हाँ, तमिल भाषा में जिन्होंने रामायण लिखी, वह महाकवि कंबन भी कावेरी के तट पर हुए। गाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? दक्षिण भारत में सबसे बड़े 3 गायक हुए हैं, संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुत्य दीक्षित। तीनों कावेरी के तट पर ही पैदा हुए। जहाँ तक राजाओं की बात है, तो यदि हम राजाओं की कहानियाँ सुनाने लगे तो उनका कोई अंत ही नहीं रहेगा। बहुत से राजा, बहुत से बड़े बड़े राज्य कावेरी के तट पर हुए। लेकिन हम तो तुम्हें कुछ ही कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, यानी कुछ रोचक कहानियाँ। अच्छा सुनो, किसी समय कवेर नाम के एक राजा थे। हिमालय पर जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। उस तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए और वहाँ आए। बोले, राजा तुम मुक्ति चाहते हो ना? ऐसा करो, तुम मेरी पुत्री को अपनी पुत्री की तरह पालो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा की उस पुत्री का नाम था विष्णु माया। राजा ने उसे पाला, वह बड़ी हुई और तप करने चली गई। राजा को मुक्ति मिल गई। विष्णु माया को तप करते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन भगवान विष्णु उसके पास आकर बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम कवेर की पुत्री हो, इसलिए तुम्हारा नाम कावेरी होगा और तुम नदी बनकर इस देश की सेवा करोगी। हाँ, तुम्हारा एक नाम और होगा, लोपामुद्रा। नदी बनने से पहले तुम अगस्त्य ऋषि से विवाह करोगी। उसी समय अगस्त्य ऋषि भी तप कर रहे थे। ब्रह्मा उनके पास जाकर बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब तुम विवाह कर लो। इसी पर्वत पर एक कन्या तप कर रही है, उसका नाम है लोपामुद्रा, उसी को तुम अपनी पत्नी बनाओ। अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों बड़े सुख से रहने लगे। एक बार दक्षिण देश में बड़ा सूखा पड़ा, कहीं जल की एक बूंद भी नहीं दिखाई देती थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। अगस्त्य मुनि को इस बात का पता लगा। उन्होंने लोपामुद्रा से कहा, दक्षिण में जल की बड़ी कमी है, अब तुम जल बनकर मेरे कमंडल में आ जाओ।
लोपामुद्रा को विष्णु का वरदान याद था, वह जल बनकर कमंडल में आई। अगस्त्य मुनि उस कमंडल को लेकर सह पर्वत पर पहुँचे, वहाँ तप करने लगे। वहीं ब्रह्मा जी भी तप कर रहे थे, अचानक वहाँ पर विष्णु भगवान आंवले के पेड़ के रूप में पैदा हुए। ब्रह्मा जी उन पर चढ़ाने के लिए विरजा नदी का जल लाए। इसी समय बड़े जोर की आंधी चली, अगस्त्य मुनि का कमंडल लुढ़क गया। उसके भीतर कावेरी का जल था, वह बह निकला और विरजा नदी में मिल गया। इस तरह कावेरी जन्मी। एक और कहानी सुनो, उत्तर और दक्षिण जहाँ मिलते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना पहाड़ है, नाम है विंध्याचल। एक बार उसने सोचा, मैं बढ़ते बढ़ते आकाश तक क्यों ना पहुँच जाऊँ। बस फिर क्या था, वह बढ़ने लगा। सूरज चांद की रोशनी रोक ली, सब ओर अंधेरा छा गया। देवताओं ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वह विंध्याचल को रोकें। अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें विंध्याचल को रोकने की शक्ति दें। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। कावेरी नदी से कहा कि वह अगस्त्य मुनि के कमंडल में चली जाए, जब वह इशारा करे तभी बाहर आए। बस कमंडल लेकर अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में विंध्याचल पड़ता है, उससे बोले, देखो भाई, मैं जरा दक्षिण जा रहा हूँ, तुम लेट जाओ और जब तक लौटू नहीं उठना मत। उनकी बात मानकर विंध्याचल लेट गया। अगस्त्य मुनि दक्षिण चले गए और सह पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उसके बाद फिर कभी वहाँ नहीं लौटे। विंध्याचल भी फिर कभी नहीं उठा। उन्हीं दिनों वहाँ एक असुर राजा था, नाम था शूरपदम। उसने देवताओं को जीत लिया, बादलों से कहा कि वे धरती पर ना बरसें। इंद्र बेचारा कहीं छिपा हुआ शिवजी की पूजा कर रहा था, पानी नहीं बरसा तो फूल भी उत्पन्न नहीं हुए, अब पूजा कैसे हो। तब नारद मुनि ने उनसे कहा, सह पर्वत पर अगस्त्य मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके कमंडल में कावेरी बंद है। तुम गणेश जी से प्रार्थना करो कि किसी बहाने कावेरी नदी को बाहर निकालें। इंद्र ने ऐसा ही किया। गणेश जी प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि के पास पहुँचे। उन्होंने कौवे का रूप बना लिया। कमंडल अगस्त्य मुनि के हाथ में था, वह उस पर जा बैठे। मुनि ने कौवे को भगाने के लिए हाथ हिलाया, गणेश जी ने कमंडल लुढ़का दिया और बोले, कावेरी अगस्त्य मुनि कह रहे हैं बह निकलो। कावेरी तो यही चाहती थी, खुशी खुशी कमंडल से बाहर आ गई और बहने लगी। तो ये है पुराणों की कहानियाँ। ऐसी ही और भी कहानियाँ हैं, पर तुम सोचोगे भला ये बातें कैसे सच हो सकती हैं? बात यह है कि ये कहानियाँ सच्ची हैं भी और नहीं भी। पुराने लोग बात को कहानियों के रूप में बताया करते थे। इन दोनों कहानियों का सीधा साधा अर्थ यह है, किसी जमाने में आर्य लोग उत्तर भारत में रहते थे। अगस्त्य मुनि उनमें पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण की यात्रा की। वे भयानक जंगलों से होकर गए। उन्होंने विंध्याचल जैसे पर्वत को पार किया और आर्यों के लिए दक्षिण जाने का रास्ता खोला। यही नहीं, उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कावेरी नदी का भी पता लगाया। इसलिए उनके साहस की कहानी पुराने कवियों ने इस तरह कही।